नमस्कार, मैं जिगिशा चिकित्सा किचन में आपका स्वागत है। आज हम लहसुन की पालक खिचड़ी बनाएंगे। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और साथ में ये बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हम जो चावल का यूज़ करते हैं ये वो ही चावल है। और 1 कप मैंने दाल ली है, इसको हम मूंग की मोगर दाल बोलते हैं, धुली हुई दाल भी कहा जाता है, बिना छिलके की मूंग की दाल भी कहा जाता है। तो दाल और चावल को मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसके अंदर में पानी डाल के 2 से 3 बार अच्छे से इसको मसल मसल के वॉश करूँगी। दो से तीन बार पानी बदल बदल के मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक कुकर के अंदर दाल और चावल को डालेंगे और इसके अंदर मैं 2.5 बड़े ग्लास जितना पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, ये खिचड़ी लिक्विड टाइप होती है, लिक्विड फॉर्म में, तो पानी थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अभी 2.5 ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालूंगी। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस ऑन कर दूंगी और मैं 3 से 4 सीटी में इस खिचड़ी को पकाऊंगी। मीडियम आंच रखना है हमें गैस का, तो कुकर का ढक्कन इस तरह में लगा के इसको पकाऊंगी। जब तक खिचड़ी पक रही है तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे। तो मिक्सर जार में मैंने 1 बाउल भर के पालक डाला है। ये पालक को पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने मिक्सर जार के अंदर डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हम जरूर मुजब पानी डाल के इस पालक को पीसेंगे। पालक को मैंने पीस लिया है तो मैं 1 बाउल के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। कुकर अपने आप ठंडा होने के बाद ही इसका ढक्कन खोले, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। अब देख सकते हैं कि खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं इसे हिला के आपको दिखा रही हूँ कि कैसी बनी है, आप देख सकते हैं। खिचड़ी के कुकर को मैंने साइड में कर दिया है और गैस के ऊपर मैंने 1 कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया है, और कढ़ाई के अंदर में 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। ये मूंगफली का तेल है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगी। तमालपत्र, तज, लौंग, मरी, छोटी इलायची या बड़ी इलायची, दगड़फूल, आप जो भी गर्म मसाला खड़े मसाले डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और इसको हम मीडियम आँच पर, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। खड़े मसाले ऑयल में अच्छे से पक गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 प्याज डालूंगी। तो प्याज के छिलके निकालने के बाद चॉप करके मैंने डाल दिया है। करी लीव्स है, इसे भी मैंने पानी से धोने के बाद डाल दिया है। 2 हरी मिर्च को पानी से धोने के बाद चॉप करके डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पर मैं लहसुन को डाल रही हूँ, तो ये लहसुन की पेस्ट मैंने डाल दी है। तो अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। तो प्याज जब तक लाल ना हो जाए तब तक हम इसको धीरे धीरे इस तरह से बीच बीच में हिलाएंगे और पकाएंगे। सारी सामग्री अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं प्याज भी लाल हो गई है और लहसुन भी अच्छे से पक गया है। तो अब मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 टमाटर। तो टमाटर को पानी से धोने के बाद मैंने बारीक टुकड़े में कट कर लिए थे, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। गैस की आंच अभी मीडियम रखी है। तो अब मैं इसके अंदर 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 2 छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर,
फिर से हम सारे मसाले और सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे मिनट के लिए इस तरह से इसको भूनेंगे ताकि हमारा मसाला है वो अच्छे से तेल में सिक जाए। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पालक की पेस्ट। जो पालक को हमने पानी के साथ पीस के रखा था वो हमने डाल दिया है। अब हम मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। पहले हमें पालक को अच्छे से पकाना होगा, इसके बाद ही हमें आगे की प्रोसीजर करनी होगी। तो मीडियम आंच पर हम इसको पकने देंगे। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। पालक हमारी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। पालक में ऑयल भी सेपरेट होने लगा है और बबल्स भी उठ रहे हैं, मतलब कि पालक हमारी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसके अंदर खिचड़ी डालेंगे। तो सारी खिचड़ी मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। खिचड़ी हमारी काफ़ी ठीक है, गाढ़ी है। तो ज़रूर मुझे इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया है। पानी मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर ढक्कन लगा के हम इसको 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि खिचड़ी और मसाले अच्छे से घुल मिल जाए और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो इसको ढक्कन लगा के हम पकने देंगे। खिचड़ी को हमें बीच में एक दो बार इस तरह से हिलाना होता है। फ्रेंड्स, ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप देख सकते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, तो बस इसी तरह की हमें लिक्विड फॉर्म में खिचड़ी तैयार करनी है। ये नीचे से चिपके नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो नीचे तक चम्मच हिलाए इसको, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बस इतनी ही रखनी है। खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, गैस मैंने बंद कर दिया है। तो इस खिचड़ी को मैं एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं खिचड़ी को किस तरह से डाल रही हूँ और खिचड़ी की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। बस इसी फॉर्म में आपको भी खिचड़ी बनानी है। तो सारी खिचड़ी को मैंने सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। खिचड़ी को हम साइड में कर देंगे और खिचड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और तड़का पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। इसके अंदर मैंने तेल डाला है, आप तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं। अगर आपको घी का तड़का पसंद है तो आप घी का यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी का टेस्ट आएगा। मुझे तेल पसंद है तो मैंने तेल डाला है। तो तेल को हम थोड़ा गर्म करेंगे। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा चटकने लगा है तो इसके अंदर मैं 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालूंगी। इसके कारण तड़का में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। 4 से 5 सूखे लहसुन को मैंने छिलके निकाल के एकदम बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने डाल दिया है। आपको याद करा दूं कि पहले भी मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन डाला था खिचड़ी में, और अभी मैं 4 से 5 लहसुन की कलिया को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी का नाम ही लहसुनी पालक खिचड़ी, तो इसमें लहसुन का थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ करना होता है। लहसुन हमारा लाल हो गया है तो मैं गैस बंद करके लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और लाल मिर्च पाउडर डाल के तुरंत ही इसको हिला के खिचड़ी के अंदर हमें डाल देना है। अगर थोड़ी भी देर की तो लाल मिर्च पाउडर होता है वो गर्म ऑयल में जल्दी से जल जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तुरंत ही इस तड़के को खिचड़ी के ऊपर डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए।
ये खिचड़ी सच में बहुत ही टेस्टी बनी है और मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आई। खास करके तो मेरे हबी को ये बहुत पसंद आई और वो बोल रहे थे कि अगर बीमार भी इस खिचड़ी को खा ले तो वो ताजा माजा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हर जगह पर चल रहा है, तो इस समय पर इस तरह का हेल्दी खुराक आपको खाना बहुत ही जरूरी है। अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाइए, खुद भी खाए और खुद भी हेल्दी रहे, घर में भी सबको हेल्दी रखे। इस तरह का हेल्दी खुराक अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, तो इस समय पर आपको ये खुराक खाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।